हिंदू खतरे में नहीं है, मोदी और जोगी खतरे में है। जिसका जलवा कायम है उसका बाप मुलायम है। योगी जी के सरकार में ताबड़तोड़ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, जिंदा बहने माता बहने जला दी जा रही है। अभी हाथरस का कांड उठा कर देख लीजिए, इलाहाबाद में जो गया वो देख लीजिए, गोरखपुर में गुप्ता 5 साल से तक करते रहे वाले जोगी, आपका घेवड़ा ना करियो ना, जो हो गए। अखिलेश यादव का बनाया हुआ सड़क पर आज जोगी भी चल रहा है और मोदी भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक और एमपी चल रहा है। वो देख लीजिए, उसमें कोई जाति व्यवस्था है? आप जिसको चाहेंगे डरवाएंगे धमकाएंगे। एक मामूली चुनाव होता है, बीडीसी को उठवा करके ब्लॉक प्रमुख बनवाते हैं, आप नेता बनेंगे। लड़ना है, हुकूमत से लड़िए, इज्जत से लड़िए और प्रेम से जीत करके दिखाइए। सरकार आनी चाहिए अखिलेश की, योगी जी की जानी चाहिए। योगी जी मोदी जी खुद अपराधी है, हिंदू के नाम पे कोई धकोसलाबाजी है। जो काम वो अयोध्या में पैसा लगा करके कर रहे हैं, एक एक गरीबों को कुछ कर देते। फैसला कर लिए आप लोग की कुछ और होगा, खदेड़ा हो गया। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी रामपुर कारखाना विधानसभा देवरिया में मौजूद है और यहां के जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर क्या कुछ देख रहे हैं। योगी सरकार के 4.5 साल कार्यकाल से कितना संतुष्ट है नहीं है, तमाम लोग लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? योगी जी का 4.5 साल हो गया, कैसे देख रहे हैं? आज मोदी जी के सरकार में और योगी जी के सरकार में 100 रुपया डीजल और 100 रुपया पेट्रोल मिल रहा है। जो राशन मोदी जी और योगी जी बांट कर जनता को गुमराह कर रहे हैं, वही जनता सुबह जो जाती है कड़ुआ तेल खरीदने के लिए तो जो है 100-200 रुपया लीटर कड़ुआ तेल मिल रहा है। राष्ट्रवादी हिंदू को, कट्टर हिंदू को तो फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं योगी जी के हाथ में प्रदेश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। मोदी जी के सरकार में और योगी जी के सरकार में दिन में गोलियां चल रही हैं, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इसलिए अखिलेश यादव सरकार आना जरूरी है और माननीय अखिलेश यादव जब तक उत्तर प्रदेश खतरे में हो जाएगा, फिर धाराएं लगती है हिंदुओं पे। हिंदू खतरे में नहीं है, मोदी और योगी खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, मोदी और योगी खतरे में है। इसलिए मोदी और योगी खतरे में है, हिंदू कहाँ खतरे में है? जब हिंदुस्तान का चुनाव और सेवकों पे गोलियां चलती थी, राम मंदिर बनाने नहीं दिया जा रहा था, आप कह रहे हैं कि यही लोग चलवाते थे? यही लोग चलवाते थे और माननीय नेताजी को बदनाम करते थे। बाल ठाकरे वहां से आकर और यहां मस्जिद मंदिर तोड़वाया, मस्जिद तोड़वाया। उत्तर प्रदेश का एक भी आदमी वो मस्जिद पर नहीं चढ़ा था, मंदिर पर नहीं चढ़ा था। वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का सरकार थी, बाल ठाकरे ने भेजा था। और आप पता करवा लीजिए कि महाराष्ट्र के लोग आकर और जो है कि वहाँ के मंदिर और मस्जिद तोड़े। मुद्दा क्या होगा इस बार अगर मंदिर मस्जिद नहीं होगा? मुद्दा होगा विकास, अखिलेश यादव का विकास। अखिलेश यादव का बनाया हुआ सड़क पर आज योगी भी चल रहा है और मोदी भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक और एमपी चल रहा है। लेकिन वो तो हिंदुत्व मॉडल पे चल रहा है, हिंदुत्व मॉडल का बोलबाला दिखा के वोट मांग रहे हैं। कोई अब जनता फायदा होगा कि नहीं होगा? जनता समझ कोई फायदा नहीं है, जमानत जब्त होने जा रहा है। और आपसे हम बता दें कि पूरा उत्तर प्रदेश में 350 अकेले अखिलेश यादव की सरकार जो है कि 350 सीट लेकर आ रही है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। तो वो भी कहते हैं कि 350 कमल खिल के रहेगा, वो गलत बोल रहे हैं। आप पूछ लीजिए, यहाँ पूछ लीजिए, कोई उनको चाहता नहीं है, सिर्फ अखिलेश। अमित शाह जो है चना के कहे जाते हैं, धराधर रैली करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हम बता दें अभी आपको हम बता दें कि अभी बिहार में चुनाव हुआ है और एक लड़का भारत सरकार के 45 कैबिनेट मंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री को और भारत के गृह मंत्री को जमीन पर लाने का काम किया, तेजस्वी यादव, और उसको बैलेट पेपर से हराया गया 28 सीट पर। ईवीएम से नहीं हरा है, बैलेट पेपर से हराया गया, वो भी 1:30 बजे रात को हराया गया। नहीं तो वो लड़का जो है कि बिहार का मुख्यमंत्री होता और बता दिया होता नरेंद्र मोदी और योगी को कितना तुम्हारे पास पावर है और कितना तुम्हारे पास शक्ति है, कितना तुमको जानकारी कर पाएंगे। एकदम अखिलेश जी आ रहे हैं, कहते लाल टोपी खतरे की घंटी है, फिर गुंडा राज आ जाएगा। लाल टोपी उनके देखने में खतरे की घंटी है। यह लाल टोपी लगाकर देश को आजाद करवाए थे भगत सिंह, गांधी जी लगाए थे लाल टोपी, वो लोग आजाद करवाए इस देश पर, तब नरेंद्र मोदी और जो है कि योगी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या कहेंगे इस बार, कैसे देख रहे हैं योगी जी को? इस बार योगी जी जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, काम वाम तो कर रहे हैं पूरा? कोई काम नहीं हुआ, अभी बता दीजिए कोई काम हुआ हो। एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, मंदिर भी बन रहा है, ये सारा अखिलेश जी की सरकार में बना था और ये उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बाकी एक मतलब जो है कि कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस बार जनता मूड बना चुकी है कि अब इस बार इनको मतलब जो भेज ही देना है,
आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जो मतलब जो है कि सब कुछ हिंदुस्तान का बेच रही है, बाकी कुछ हिंदुस्तान के अंदर इनके मतलब अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए निजीकरण कुछ नहीं। कौन सा अर्थव्यवस्था है मतलब बता दो। कोई अर्थव्यवस्था नहीं सुधार है, जो है जैसे मान लीजिए बाप माँ अपनी संपत्ति छोड़ के जाता है, अपने बेटों को घर द्वार देता है तो ये नहीं कहता है कि आप बेच देना, तो इनको गद्दी दिया गया है 5 साल के लिए, तो 70 साल कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने जो कर दिया है उन्हीं का ये लेकर के ढो रहे हैं, कांग्रेस ने जो किया उसको लेकर के ये ढो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जो आज आप ये मीडिया वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, जो एरोप्लेन देख रहे हैं, वो सारी उनकी व्यवस्था है, उनकी देन है। और जो नए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं तो उनके पास विवेक है, समझ रहे हैं कि नहीं। उनको जनता में अगर चाहते तो वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनके बाप भी 5 साल 15 साल माननीय मुलायम सिंह यादव रहते, वो अपने घर में आराम से बैठ के खाना खाते, रोड और चट्टी चौराहे 17 घंटे रैली नहीं करते, वो देश के लिए और हमारे लिए आपके लिए जनता के लिए मर रहे हैं, आप इस बात को जानिए, समझ रहे हैं कि नहीं। योगी जी के काम की जो तारीफ होती है, सर्वे में नंबर बना रहे, पार्टी से हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। योगी जी के सरकार में ताबड़तोड़ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, जिंदा बहने माता बहने जला दी जा रही है। अभी हाथरस का कांड उठा के देख लीजिए, इलाहाबाद में जो काटा गया है वो देख लीजिए, गोरखपुर में गुप्ता को काटा गया है वो देख लीजिए, उसमें कोई जाति व्यवस्था है? आप जिसको चाहेंगे डरवाएंगे धमकाएंगे, एक मामूली चुनाव होता है, BDC को उठवा करके ब्लॉक प्रमुख बनवाते हैं, आप नेता बनेंगे, लड़ना है हुकूमत से लड़िए, इज्जत से लड़िए और प्रेम से जीत करके दिखाइए, कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिए। कोई अपराधी पे तो बुलडोजर चल गया ना, सब जेल में है। कहा पहले नहीं अपराधी थे, पहले नहीं अपराधी थे, अभी इनके सरकार में सब अपराधी हो गए हैं। तो कार्रवाई तो कर रहे हैं योगी जी, तरह तरह बुलडोजर चल रहा है। योगी जी मोदी जी खुद अपराधी है, गोधरा कांड आपको मालूम है, गुजरात में कटवा दिया मोदी ने रातों रात, कई हजार लोगों को कटवा करके रखवा दिया, और हिंदुत्व की बात करते हैं क्या, हिंदुत्व की बात करते, ये हिंदुत्व वाले से फायदा मिलेगा कुछ नहीं, कुछ हिंदू के नाम पे कोई धकोसलाबाजी है, जो काम हो आज अयोध्या में पैसा लगा करके कर रहे हैं, एक एक गरीबों को कुछ कर देते तो अपने बेटे बच्चों का अनाज तो दे ही रहे हैं, फ्री टीका दे रहे हैं, अनाज उनके घर का है, अनाज हम लोग उपजाते हैं, किसान उपजाता है, ठीक है, फोटो लगा देने से काम हो जाएगा, बोलिए आप, फोटो लगाने से काम नहीं हो जाएगा, दे रहे हैं तब तो फोटो लगा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, कान आपका चाहिए, इधर से पकड़ ले चाहिए, इधर से पकड़ ले, बात तो वही हुई, सारा महंगाई से लूट रहे हैं, हम ही लोग का पैसा हम लोग में बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं बताइए आप। लेकिन एक तस्वीर तो प्रधानमंत्री की दिखाई जाती है कि विदेशों में देश का नई पहचान दिला दी, डंका बज रहा है हर तरफ, सारा इनका डंका बज रहा है। इन्होंने तो कहा 15 लाख रुपए लाएंगे, ये बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये हवाई चप्पल की आपने बात कहा, ये करेंगे, ये उड़ाएंगे, हवाई अड्डा तो बना रहे ना, कितना हवाई अड्डा क्या बनवा रहे हैं, कौन सा नो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी कुशीनगर रामकोला के बगल में जो है वहाँ माननीय अखिलेश यादव जी का है, यहाँ करके शिलान्यास कर देंगे, बोर्ड लिखवा देंगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा, एम्स मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उनका है, सारा व्यवस्था उनका है, आप आके अपना नाम लिख देंगे कि हमारे मीडिया का नाम है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन, हाँ परिवर्तन होकर रहेगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद। BJP सरकार केवल नाम बदलने का काम किया है, जो अखिलेश यादव जी ने किया था उसी को नाम बदल के ये अपना कर दे रहे हैं। युवा क्या सोच रहा है, नंबर रुकिए, युवा एकदम परिवर्तन सोच रहा है, BJP को उखाड़ के फेंकने का सोच रहा है, BJP नहीं हम लोग को चाहिए, धर्म हम लोग को नहीं चाहिए, वो तो प्रचार भी चल रहा है, फर्क देख लो सर, चल रहा है तो चलने दीजिए, प्रचार से क्या मतलब, मीडिया और चैनल को किन लेंगे, दिन रात दिखाएंगे, डिबेट करेंगे तो ये कोरोना के आड़ में जो कुछ भी कर ले, लेकिन ये 5 साल में कुछ भी नहीं किए हैं। खेला होगा यूपी में, खेला कोई खेला नहीं, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हम लोग होने नहीं देंगे, हम लोग क्या होगा, खदेड़ा होगा। इतना आसान है, योगी जी बगल में, गोरखपुर बगल में, पूर्व बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी ने जा रहे हैं बनाने के लिए। और एक बात और जान लीजिए, आज तक देश आजाद हुआ है तब से आज तक माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा झूठा और माननीय जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जैसा झूठा कभी न मिला है और न मिलेगा। संत हैं, कैसी बात कर रहे हैं संत, अरे लंठ है संत, कोई बताइए, आप इतने लोग हैं बता दीजिए, कोई आज तक हिंदुस्तान के अंदर एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जो अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया हो, एक राजनीतिक मुकदमा था, राजनीतिक कोई अपराध मुकदमा, अपराधी मुकदमा था, हाँ 307 राजनीतिक मुकदमा नहीं होता है सर, 307 था, और ये पहला मुख्यमंत्री है देश के कि जो अपना मुकदमा स्वयं अपने वापस किए।
अपने कलम से। सेवा जो कर रहे हैं उसमें आनंद नहीं आ रहा? सेवा है ये नहीं है, सेवा तो अखिलेश यादव का है कि रोड पर अखिलेश यादव के सिपाही लाल टोपी पहनकर जो है कोरोना काल में राशन बांट रहे हैं, वो सेवा है। योगी जी भी कोरोना काल में इतना काम किए, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कह रहा हमें, वो तो ऑस्ट्रेलिया में मजा ले रहे थे, कहाँ निकले भैया, कहाँ निकले आप बताइए। इस पर बदल जाएगा सरकार, जिसका जलवा कायम है उसका बाप मुलायम है, ये जान लीजिए, जिसका जलवा कायम है उसका बाप मुलायम है। क्या कहेंगे इस बार युवा है, क्या सोच रहे हैं इस बार, मुद्दा क्या होगा? सरकार आनी चाहिए अखिलेश की, योगी जी की जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए भाई, एकदम तबाही मचा के रखे हैं यहाँ, तबाही हाँ, अपराधी पे तबाही है ना। नौजवान जितने पढ़े लिखे हैं घर बैठे हैं, भैंस चरा रहे हैं, क्या चला रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं बैठ के घर पे। भरोसा कीजिए, मौका दीजिए, कुछ करेंगे। 5 साल हो गया भरोसे पे टिके थे ना, क्या किए हैं, कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। रोजगार वगैरह नहीं, रोजगार भी नहीं मिला, क्या मिला है, बैठे हैं घर पे। 5 साल से तो करते रहे गए जोगी, आपका घेवड़ा ना करियो ना, और जो हो गए तो हो गई, हो गया हो गया, आप गईला काम से ही हो गया, फैसला कर लिए आप लोग की कुछ और होगा, खदेड़ा हो गया, खदेड़ा हो गया, सब कह रहे खदेड़ा, हाँ हाँ भगोड़ा हो गया। तो यहाँ पे जो देवरिया का माहौल है हमने देखा, तमाम लोग कह रहे हैं यहाँ पे खदेड़ा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से, बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।